ों करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुर्वी कर्पूगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जयितं नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्री कृष्ण ओम शांत कल मैं बात कर रहा था भगवान श्री कृष्ण के जो विवाह द्वारका में हुए भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रुक्मिणी जी से जिनका जन्म हुआ प्रधुम्न, प्रधुम्न कुमार कहते हैं जैसे ही धुन का जन्म हुआ समरासुर नाम का एक राक्षस उन्हें चुपचाप चुरा के उठा ले जाता और चुरा के उठा ले गया और उसने उस नवजात शिशु को समुद्र में फेंक दिया कहते हैं उस नवजात शिशु को एक मछली निगल लेती है और उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा वो मछली मछुआरे के द्वारा समरासुर के महल में पहुंचाई गई रसोई में पहुंचाई गई और रसोई में रहने वाली जो दासी थी शिवका थी रसोई में काम करती थी उसने उसका पेट चाक किया तो उससे वो बालक निकला उस बालक को इसी दासी ने इसका नाम था विद्यावती इसी दासी ने उस बालक का लालन पालन किया और नारद जी ने चुपचाप उसे यह भी बताया कि ये जो दासी विद्यावती थी ये पिछले जन्म की रति थी कामदेव की पत्नी जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव ने कामदेव का दहन किया था तीसरा नेत्र जब वो उघाड़ा तो काम नष्ट हो गया काम जल गया तो रति ने भगवान शिव के पास आके प्रार्थना की कि मुझे मेरे पति फिर कब प्राप्त होंगे कैसे प्राप्त होंगे तो भगवान शिव ने रति को यह बात कही थी कि द्वापर युग में कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण का पुत्र प्रधुम्न तुम्हें पति रूप में फिर सशरीर प्राप्त होगा तब तक तुम्हारा पति बिना शरीर के सबके शरीर में व्याप्त करेगा यही काम प्रधुम्न कुमार के रूप में जन्म लेता रति सेविका बन के राक्षस के यहां रहती रति ने उसका पालन पोषण किया विद्यावती ने उसका पालन पोषण किया बाद में उसका उससे विवाह हो जाता और इसी बालक ने सम्रासुर का वध किया और सम्रासुर का वध करके ये प्रधुम्न इसका नाम पड़ा प्रधुम्न सम्रासुर का वध करके ये द्वारका वापस रति के साथ आ जाता अब यहां पे दिखाया है कि प्रध्म्न है अलौकिक कार और और है लौकिक कार होता क्या है अध्यात्म में धर्म में कर्म का त्याग नहीं है ये नहीं कि कोई कर्म नहीं करना है कर्म तो सामान्य जीवन में जैसे और लोगों के होते हैं ऐसी एक संत के जीवन में भी होते हैं जो जरूरतें सामान्य व्यक्ति की होती है ग्रस्त की होती है वही जरूरतें एक सन्यासी की भी होती है लेकिन दोनों का अंतर यह है कुछ तो हमारी जरूरतें शारीरिक हैं और कुछ हमारी जरूरत जरूरतें मानसिक हैं आप सारी सृष्टि में देखें सारी सृष्टि पशु पक्षी सभी भी जो नैसर्गिक उनकी जरूरतें हैं शारीरिक उनकी जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करते हैं भूख लगती है तो भोजन भी करते हैं प्यास लगती है तो पानी भी पीते हैं थक जाते हैं तो विश्राम भी ले नींद भी लेते हैं और संतान को जन्म भी देते हैं ये सारी सृष्टि में हो रहा लेकिन आदमी में एक और नई बात जुड़ गई मनुष्य में जिसके कारण से धर्म पैदा हुआ वो नई बात ये जुड़ गई कि आदमी के साथ मन जुड़ गया मनुष्य और पशु में अगर कोई भेद है तो सिर्फ इस बात का भेद है कि मनुष्य बुद्धि से संपन्न है उसमें बहुत ही उच्च तरह का मन है मन की प्रधानता है मन बहुत विकसित है पशुओं में वो मन विकसित नहीं होता इसलिए पशुओं में कोई चॉइस नहीं होती है कोई पशु ऐसा नहीं होता है अगर वो शाकाहारी पशु है तो शाकाहारी रहेगा अगर वो मांसाहारी पशु है तो मांसाहारी ही रहेगा अब वो ये नहीं होगा कि शाकाहारी मांसाहारी बन जाए मांसाहारी शाकाहारी बन जाए संगत को देख के कोई किसी हिंदू घर में हो गया तो शाकाहारी हो गया किसी मुसलमान घर में हो गया तो मांसा ऐसा नहीं होता गाय तो हर समय शाकाहारी रहेगी हिंदुस्तान की गाय हो पाकिस्तान की गाय हो हिंदू घर की गाय हो मुसलमान के घर के गाय हो, हो वो शाकाहारी रहेगी ऐसे ही जो मांसाहारी प्राणी है शेर चीता बाघ कुत्ता बिल्ली वो भी इसी तरीके से तो जिनकी जो प्रवृत्ति है तो अपने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करते हैं तो उनके लिए कोई च्वाइस नहीं है कोई निर्णय नहीं है इसलिए उनको ये नहीं कहेंगे ये करो ये ना करो ये धर्म है ये अधर्म है ये पाप है ये पुण्य है उनके लिए दो रास्ते नहीं एक ही रास्ता है, और वो वही करेंगे जो उनसे पहले हजारों साल से उसी जाति के लोग करते रहे जो शेर हजार साल पहले करते तो वही से आज भी कर रहे हैं जो गाय बैल हजार साल पहले पहले आते थे, थे आज भी वही कर रहे हैं वही खाना खा रहे हैं उसी तरीके की उनकी दिनचर्या है उनमें इसलिए हमने कभी किसी गाय को नहीं ये नहीं कहा ये गाय पूर्णात्मा है और ये पापात्मा है ये धार्मिक है ये अधार्मिक है क्योंकि वहां चॉइस नहीं है मनुष्य में चॉइस है चुनने की शक्ति है ये करे या ये नहीं करे चुनने की शक्ति है क्योंकि मन की प्रधानता है बहुत एक विकसित मन है और उस विकसित मन के कारण ही ये सारा आप एक वैज्ञानिक अवस्कार ये सारा विकास जो दिख रहा है वो विकसित मन के कारण से ही दिख रहा है तो इसलिए जब विकसित मन आया चॉइस आई तो फिर बताना पड़ रहा है कि ये धर्म का रास्ता है ये धर्म का रास्ता है ये पाप का रास्ता ये पुण्य का क्योंकि यहाँ भटकाव की गुंजाइश है व्यक्ति भटक सकता है जब एक, एक ही रास्ता हो तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई कौन से रास्ते से जाए क्योंकि एक ही रास्ता है और उसी से जाना है जब रास्ते एक साथ दो आ जाते हैं तब पूछना पड़ता है तब निर्णय करना पड़ता है तब किसी ज्ञानी महापुरुष से सलाह लेने पड़ती है कि हम हमारी मंजिल मंजिल को जहां हमें जाना है हमारे मुकाम को कौन सा मार्ग हमें लेके जाएगा तो हमें पूछना पड़ता है इसलिए पशुओं के लिए दो मार्ग नहीं एक ही मार्ग है पक्षियों के लिए एक ही मार्ग है लेकिन मनुष्य के लिए दो मार्ग बन गए एक तरफ धर्म की तरफ जा रहा दूसरा अधर्म की तरफ एक सुख की तरफ एक दुख की तरफ तो इसलिए वहां पे फिर सत्संग आ गए संत आ गए शास्त्र आ गए साधना आ गई पशुओं के लिए जरूरत नहीं इसलिए लौकिक अलौकिक जो मात्र शरीर के साथ साथ ही बंधे हैं और साथ शरीर के साथ बंध के मन को और शरीर की भोग तक ही सीमित है शरीर तक ही सीमित है शरीर के भोगों तक ही सी, सीमित हैं उनके लिए उनमें और फिर पशु में कोई भेद नहीं है मनुष्य अपने मन का विकास जो हुआ है उसे शुभ की तरफ ले जाए सत्य की तरफ ले जाए परमात्मा की तरफ ले जाए तो अलौकिक काम हो जाते काम वही है जीवन सबके दोनों एक जैसे ही है लेकिन एक लौकिक कर्म में पड़ा हुआ है एक अलौकिक की दिशा में बढ़ गया वो अपने उन कामों को करते हुए एक सीढ़ी और आगे बढ़ गया वो काम भी उसने किया भोजन भी किया विश्राम भी किया संतान को जन्म भी दिया वो भी किया लेकिन एक सीढ़ी और आगे बढ़ गए परमात्मा की तरफ सत्य की तरफ अंतर आत्मा की तरफ अंतर खोज में भी बाहर के संसाधन हमने प्राप्त किए लेकिन साथ में अंदर की जो संपदा थी जिसका एकमात्र अधिकार मनुष्य का था पशु का नहीं वो संसाधन भी चेतना का विकास अपनी चेतना में ठहराओ इसलिए भगवान ने यहां पर सम्रासुर का वध किया पुधुम्न के द्वारा यहीं पे एक और प्रसंग आता कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र प्र... धमन के ही पुत्र और भगवान कृष्ण के पौत्र की पुत्री ने एक बाणासुर की पुत्री ने ऊषा जिसका नाम है उसने स्वप्न में किसी नौजवान व्यक्ति को देखा एक सुंदर युवा व्यक्ति को अपने स्वप्न में देखा जब सुंदर युवा व्यक्ति को उसने स्वप्न में देखा तो वो उसके प्रति मोहग्रस्त हो जाती और अपने अंतर मन में निर्णय ले लेती है कि इस सुंदर युवा व्यक्ति से युवा से हम शादी रचाएंगे उस ऊषा ने अपनी ये बात उसकी महल में ही उसकी एक सहेली रहती थी जिसका नाम चित्रलेखा था उस चित्रलेखा को ये बात कही जब चित्रलेखा को ये बात बताई कि स्वप्न में मैंने एक सुंदर युवा व्यक्ति को देखा मैं उससे व्यवहार रचाना है तो चित्रलेखा में कुछ ऐसी विशेष शक्ति थी कि वो किसी के स्वप्न को भी देख सकती है तो चित्रलेखा ने तमाम चित्र बना के दिए तमाम व्यक्तियों के ये व्यक्ति था ये व्यक्ति था ये व्यक्ति था लेकिन जो जो चित्र बनाए चित्रलेखा ने उषा उसे इनकार करती गई नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं चित्रलेखा ने जब अनुरुद्ध का उस चित्र बनाया बनाया अनुरुद्ध कुमार का चित्र बनाया तो उस चित्र को देख अनुरुद्ध को देख के ऊषा थोड़ी लज्जित हो जाती ल, लाज में आ जाती शर्मा जाती और जब शर्मा जाती तो ऊषा ने इशारा किया हां यही वो व्यक्ति है जिसे मैंने स्वप्न में देखा और इससे मैं विवाह रचाना चाहती हूं जब ये बात ऊषा ने चित्रलेखा को कहा तो चित्रलेखा ने कहा मैं तुम्हारा इस व्यक्ति से विवाह रचाने का पूरी प्रयत्न करूंगी और उषा में उस चित्रलेखा में कुछ विशेष तरह की शक्ति प्राप्त थी वो योग बल से द्वारका जाती है और द्वारका में देखा अनुरुद्ध कुमार का हरण करने जाती तो द्वारका में देखा कि सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र द्वारका नगरी की पहरेदारी पर है रात में सब सोए हुए हैं तो सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा है द्वारका नगरी में चित्रलेखा ने कहा यह तो बहुत मुश्किल काम है कि मैं अनुरुद्ध कुमार का हरण कैसे करूं अगर ये सुदर्शन चक्र ऐसे ही पहरे पर रहा तो चित्रलेखा ने नारद जी से प्रार्थना की नाराजी से भेंट हो जाती और नाराजी से प्रार्थना की नारद जी मैं ऊषा और अनुरुद्ध का विवाह करवाना चाहती हूं आप मेरी मदद करें इस काम में नारद जी संत हैं और उन्होंने कहा एक पवित्र काम है इसमें कोई अपवित्रता नहीं पवित्र काम है कि स्त्री पुरुष का लड़का लड़की का विवाह एक धर्म कर्म है पुण्य का कर्म है क्योंकि अगर ये पुण्य का कर्म धर्म का कर्म ना होता सृष्टि ना होती तो आज हम आप भी ना होते तो नारद जी ने सुदर्शन चक्र से कहा भाई सुदर्शन चक्र तू हर समय चलता ही रहता है कभी विश्राम नहीं करता और थकता नहीं है और चलो तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह भी करो अपनी ड्यूटी भी दो लेकिन कभी कभी कुछ समय ऐसा भी निकालो कि थोड़ा सत्संग भी करो जीवन इसी भागदौड़ में तुम्हारा चला जाएगा सत्संग की कोई समझ नहीं है परमात्मा की कोई समझ नहीं है साधना की कोई समझ नहीं है सुदर्शन चक्र ने कहा भी नारद जी मेरे पास समय कहां है समय का अभाव है क्योंकि हमारी हमारी ड्यूटी कोई दो घंटे दस घंटे बारह घंटे चौबीस घंटे की ड्यूटी रहती है दिन में भी और रात्र में भी कि मैं इस द्वारका नगरी की सुरक्षा करूं भगवान श्री कृष्ण नरद जी ने कहा अरे ये तो संसार के काम कभी किसी के पूरे नहीं होते कभी किसी के संसार के काम जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन संसार के काम कभी खत्म नहीं होते जिंदगी जब तक रहे फुर्सत ना होगी काम से जिंदगी जब तक रहे फुर्सत ना होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से नाराज जी ने कहा कुछ समय जीवन के बारे में सोचो अपने बारे में सोचो जीवन के सुख दुख के बारे में पूछो और उन दुखों से अशांति से मुक्त होने का मार्ग भी सोचो अन्यथा यही जीवन हर किसी को जिसको देखो कि आदमी इसी संसार के प्रपंच में पढ़ा है और कह रहा मेरे पास समय नहीं मेरे पास समय नहीं अब समय इसलिए नहीं समय तो होता है सभी के पास ये चौबीस घंटे का समय सभी को मिला हुआ ज्ञानी या अज्ञानी संसारी या सन्यासी सबके लिए वही चौबीस घंटे का समय है किसी के लिए पच्चीस घंटे नहीं होता लेकिन हमने हमारी समझ में हमने मूल्य किसे दिया है हमने धन को मूल्य दिया है पद को मूल दिया है प्रतिष्ठा को मूल दिया है परिवार को मूल दिया है तो जिन जिसे हमने मूल्य दिया है जिसके महत्व को हमने समझा है उसके लिए हम समय निकालते हैं और जिसका हम मूल्य नहीं समझते हैं जिसको हम जीवन में जरूरी नहीं समझते हैं उसके लिए समय ना होने का बहाना कर लेते हैं कि समय नहीं है तो सिर्फ ये बात इतनी ही साबुत करती है कि तुम्हें समझ का अभाव है ज्ञान का अभाव है उसकी जरूरत तुम्हें नहीं लग रही है अगर पहले से ही हमने बहुत लोगों को देखा कि जैसे भोजन के लिए समय निकालते हैं विश्राम के लिए समय निकालते ऐसे ही नियमित थोड़ी साधना के लिए समय निकालें ध्यान के लिए समय निकालें, योग के लिए समय निकाले आसन प्राणायाम ध्यान के लिए समय निकाल तो शरीर निरोग रहता मन मन प्रसन्न रहता अब उसकी उपेक्षा करेंगे शरीर की भी उपेक्षा करेंगे मन की भी उपेक्षा करेंगे परिणाम क्या होता है कल मन भी रोगी हो जाता और शरीर भी रोगी हो जाता अब फिर जो पैसा कमाया हमने शरीर और मन की उपेक्षा करके दौड़ में भाग में श्रम से पैसा कमाया कल उसी पैसे को फिर खर्च करते हैं किस में शरीर को फिर निरोग करने में रोगी शरीर को निरोग कैसे करे अशांत मन को अब शांत कैसे करे और वो बात बनती नहीं एक बार रोग आ गया फिर आ गया वो जाता है? नहीं पहले से ही अगर तुमने कुछ प्रयास किया होता समझ जगाई होती तो ये बात नहीं बनती तमाम आप लोग योगियों को संतों को शरीर तो उनके पास भी वही है संसार में वो भी वही है खान पान दिनचर्या उनकी भी वैसी है लेकिन वो स्वस्थ रहते हैं शरीर भी से भी स्वस्थ हैं और मन से भी शांत हैं और आज तमाम रोगों का कारण क्या है मन की अशांति और मन की अशांति है उसकी हम अपेक्षा करें शांति तो बाद में देखेंगे बुढ़ापे में देखेंगे आगे देखेंगे अभी अशांत होके तनावग्रस्त होके रोगण होके बीमार होके धन इकट्ठा करते हैं बाद में वो चाहते वो मिलता नहीं वो हो नहीं पाता क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ जाती है वापस लौटने का कोई उपाय नहीं तो इसीलिए प्रारंभ से ही उसकी जरूरत को हम समझें और उसके लिए समय निकालें अगर नियमित रोज जैसे आदमी 24 घंटे में एक घंटा भी नियमित अंतर्मुखी हो थोड़ा ध्यान में बैठे शांत हो अंदर से तो कोई कारण नहीं और उसका मन अशांत हो वो तमाम बता 100 में 90 रोग मन की अशांति से पैदा होते हैं मन अशांत हुआ इसलिए शरीर में बीमारियां लगती हैं जिन्हें साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं तो इसीलिए इसकी जरूरत है कि आज व्यक्ति को इन चीजों पर थोड़ा सा अपना समय लगाए उसकी समझ बनाए तो नारद जी ने सुदर्शन चक्र को समझाया कि भाई ये तो जिंदगी तो तुम्हारी ऐसे ही चली जाएगी लेकिन सत्संग के लिए समय निकालो अपने लिए समय निकालो अन्यथा इसी भागदौड़ में तुम्हारी जीवन खत्म हो जाएगा और ये नारद जी खाली सुदर्शन चक्र को नहीं कह रहे हम सभी को कह रहे कि हम सबके लिए जरूरी है नारद जी की के मदद से नारद जी ने कुछ समय के लिए सुदर्शन चक्र को रोक लिया और जब सुदर्शन चक्र को रोक लिया तो इस बीच में चित्रलेखा ने अनुरुद्ध कुमार का हरण कर लिया और जब चित्रलेखा ने अनुरुद्ध कुमार का हरण कर लिया सोते हुए पलंग सहित चित्रलेखा उन्हें विमान पे के साथ उठा के ले गई विमान से अनुरुद्ध कुमार के गले से माला जो थी एक कहते हैं नीचे आके गिरी जो सुदर्शन चक्र के ऊपर गिरी उसने कहा लगता है कुछ अनर्थ हो गए कोई चोरी हो गई चित्रलेखा तो अनुरुद्ध कुमार का हरण कर लिया और जब शोड़त नगरी में उषा के महल में पहुंचा दिया बाड़ासुर को खबर मिली कि उषा के महल में कोई युवक है तो बाणासुर ने इस अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और जब अनिरुद्ध को बंदी बना लिया तो भगवान श्री कृष्ण को खबर मिली भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और बाणासुर के साथ युद्ध करते हैं बाणासुर चूंकि इसको हजार भुजाएं थी सहस्र भुजाएं थी भगवान ने उसकी सहस्र भुजाओं को काट के सिर्फ चार भुजा रखी उसे पराजित किया अनुरुद को कारागार से मुक्त किया और ऊषा अनुरुद्ध का विवाह कराया अब देखो हमारे शास्त्रों में कहीं विवाह का विरोध नहीं है यह संतति को जन्म देने का कहीं विरोध नहीं है बस यही है कि इससे आगे भी कुछ है हम बाजार में जब जाते हैं तो कभी कभी क्यों हमें मालूम है कि हमें पहुंचना वहाँ है लक्ष्य हमारा हुआ है गंतव्य हमारा हुआ है मंजिल वहाँ पहुँच लेकिन बाजार हो के ही हमें जाना है और बाजार होके जाना है और बच्चे अगर अपने साथ में कहीं हैं तो बच्चे तो दुकानों पे इधर उधर बहक जाएंगे क्योंकि बच्चों के लिए वो दुकान वो बाज़ार का शोरगोर बड़ा आकर्षण है लेकिन जो समझदार है उन दुकानों को देखता हुआ उस बाजार को देखता हुआ उन तरह तरह के आकर्षणों को देखता हुआ भी उनके बीच से आगे अपने मंजिल तक पहुंच जाता है अन्यथा कोई बाल बुद्धि है तो उस आकर्षण में ही उलझ जाएगा वो आगे का रास्ता ही भूल जाएगा बाप मंजिल कहाँ है वो भूल जाएगा तो संसार में हम रहे लेकिन संसार में रहकर धर्म सिर्फ इतना ही बताता है कि जीवन में जो दुख है दुख का कोई कारण है दुख है भगवान बुद्ध के चार दुख है दुख का कोई कारण है और उस कारण का निवारण कर दो तो दुख से छुटकारा है और जो कारण है वो कारण बाहर से नहीं किसी ने दिया है वो कारण हम स्वयं हैं वो बंधन हमने स्वयं बांधे हैं वो हथकड़ियां बेड़ियां हमने स्वयं लगाई हैं हम स्वयं उसके लिए जिम्मेदार हैं और हम स्वयं कैसे हमारा मन मन हमारा बंधन का कारण है मन ही हमारा मोक्ष का कारण है तो इस मन को कैसे समझाऊं इस मन को कैसे सुधारू मुख्य साधना का अर्थ यही है कि मन का सुधार मन में एक समझ जगाना कि जीवन का लक्ष्य यही मात्र नहीं है। देखो हम खाना खाते हैं शरीर की जरूरत है लेकिन अब खाना क्या है एक तो शरीर की जरूरत है और एक म, एक शरीर की भूख है एक मन की भूख है अब शरीर की भूख तो थोड़े से भोजन में शांत हो जाती है लेकिन मन की भूख है और तरह तरह की वैरायटी चाहती है ये भी मिले ये भी मिले ये भी मिले और नहीं भी भूख होती है तो भी खाता और जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाता जो सेहत के लिए ठीक नहीं है सेहत के लिए स्वास्थ्य के लिए जहर है विस्तुल है लेकिन स्वाद में जो नहीं खाना चाहिए वो भी व्यक्ति खा लेता क्यों वो शरीर की जो मांग नहीं है वो मन की मांग है और शरीर बीमार हो जाता ऐसे ही जहां जहां देखें हर चीज में शरीर की जो नैसर्गिक जरूरतें हैं जो नैसर्गिक मांग है प्रा ने नेचुरल बॉडी की नीड्स जो हैं वो ठीक है वो जरूरत है लेकिन उसके जा जो माइंड की नीड्स हैं मन की जो मांगे हैं मन की जो जरूरतें हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है उन पर संत ज्ञानी उन पर अंकुश लगाते हैं उन पर रोक लगाते हैं उनको मात क्योंकि अगर उसने उलझ हमें पैसा चाहिए पेट भरने के लिए रोटी चाहिए पैसा चाहिए लेकिन जो लोभ होता और, और, और ये शरीर ने नहीं पैदा की ये मन ने पैदा किया और, 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 और की कोई सीमा नहीं है ये मन ने पैदा किया आप सारी सृष्टि में देखो कोई संग्रह मनुष्य की तरह कोई संग्रह नहीं करता कोई जीव संग्रह नहीं करता कोई पशु नहीं करता कोई पक्ष संग्रह इकट्ठा करो इकट्ठा करो और एक नहीं कई कई पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करो और अंत में मर जाता सारा जीवन इकट्ठा करने में लगा देता ये, ये क्या है ये शरीर की जरूरत नहीं है ये मन की भूख है ये लोभ मन में पैदा हुआ ये काम मन में पैदा हुआ है संतान को जन्म पशु पक्षी भी देते हैं लेकिन एक उम्र तक एक समय तक कितना लेकिन आदमी का जो मन है वो आदमी का मन शरीर की जरूरत नहीं होती मन की जरूरत होती है तो मन पर रोक लगाई जा सकती है मन का संयम किया जा सकता है चाहे भोजन में हो चाहे संतान को जन्म देने में हो चाहे और किसी भी तरह की जो चीजें हैं काम की क्रोध की लोभ की मोह की अब ये पशुओं में नहीं होता पशुओं में अपने संतान के प्रति मोह है एक सीमा तक उस पशु ने या पक्षी ने जो बच्चे को जन्म दिया है एक उम्र तक उसका लालन लाल पक्षी अपने बच्चे के मुंह में तभी तक दाना डालेगी जब तक वो अपने पंखों उड़े अपने उड़ने लगे तो अब उसे कोई चिंता नहीं पशु भी अपने बच्चे को तभी तक दूध पिलाती है गाय जब तक उसका बछड़ा चारा नहीं खाने लगता चारा खाने लगता गाय भूल जाती अब उन, उनके अंदर जो थी वो पर एक तरह से समझ थी कि इस समय तक इन्हें हमारी जरूरत है उसके बाद इन्हें हमारी जरूरत नहीं है लेकिन मनुष्य को देखो बेटों के प्रति बेटों के बेटों के प्रति उनके बेटों के प्रति कितनी आसक्ति कितनी वो सब सब प्रकार से योग्य हैं समर्थ हैं अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं अपना काम अपना निर्णय करके ठीक से सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी मोह यह ना जाए वो बिगड़ना ना जाए ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए हजार हजार तरह के मन में आदमी संकल्प विकल्प खड़ा कर लेता है और परिणाम क्या होता है वही संकल्प विकल्प हजार हजार मन में खड़े अपनी जरूरतों के लिए सब ठीक है लेकिन संतान के लिए फिर संतान की संतान के लिए और आज तक सब ठीक है भविष्य के लिए कल क्या होगा बुढ़ापे पे कैसा होगा हमारे बच्चों अब ये जो है ये पशु नहीं सोचते तो पशु वर्तमान में जीते हैं हम भूत में या भविष्य में जीते आदमी कभी भी वर्तमान पशु हर समय वर्तमान में जीता है इस क्षण में जीता है अभी भूख लगी तो अभी कल की नहीं सोचेगा या पीछे के कल की नहीं सोचेगा आदमी अभी की नहीं सोचता है या तो आगे के कल की या पीछे के कल की कल क्या हुआ था उसका अंदर संकल्प विकल्प चल रहा है विचार चल रहा है कल क्या हुआ कल किसने क्या कह दिया वो अंदर उसके अंदर एक पीड़ा लिए बैठा है और आगे क्या होगा उसकी चिंता लिए बैठा कल क्या होगा आगे क्या होगा बुढ़ापे में क्या होगा मेरे बच्चों का क्या होगा ये पशुओं में नहीं होता तो ये सारे के सारे जो रोग हैं बुराइयां हैं या बंधन हैं ये मन ने पैदा किए हैं और जो मन ने ये पैदा किए हैं इससे मुक्त इससे साधना से ज्ञान से सत्संग से इससे बाहर निकला जा सकता इससे बाहर निकला जा सकता है तो यही साधना का अर्थ है कि ये मनुष्य में चूंकि ये मनुष्य का ये सौभाग्य है कि मन की प्रधानता तो वो मन बंधन भी हो सा और वही मन से हम मुक्त हो जाए तो मोक्ष भी ले जाए क्योंकि मुक्त पशुओं के लिए नहीं है पक्षियों के लिए मोक्ष नहीं है हम संसार में रह के संसार से मुक्त कैसे हो है। तो इसीलिए फिर धर्म की जरूरत पड़ जाती है साधना की जरूरत पड़ जाती है और धर्म साधना का यित अर्थ है हम मरने के बाद क्या होगा या स्वर्ग मिलेगा नर्क मिलेगा स्वर्ग आज पैदा कर ले यहां पैदा कर ले तो किसी भी सांसारिक जरूरतों की उपेक्षा नहीं की गई है उनको परिष्कृत किया गया भोजन हो तो कितना हो हमारी सांसारिक जरूरतें कितनी संतों ने आप बड़े बड़े देखो कबीर को देखो रविदास को देखो नानक को देखो उन्होंने भी सारा कुछ अब कबीर का भी परिवार था रह का भी परिवार था नानक का भी परिवार था सब अधिकांश संत तुम्हें मिलेंगे जो गृहस्थी में थे पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह किया संतान को जन्म दिया विवाह किया, सब कुछ किया लेकिन उसके बाद भी वो संत बन गए क्यों उन्होंने आगे का मार्ग दिखा आगे की मंजिल उन्हें दिख रही थी और ये बातें ये जो इनकी जरूरतें थी जिम्मेदारियां थी उस, उसे उन्हें रोक नहीं सकी इनको पूरा करते हुए भी अपने जीवन के लक्ष्य को पा सके परमात्मा तक पहुंच सके तो हमारे जीवन में ये सब हो उसी को हमने कहा भगवान विवाह भगवान ने कराया उषा अनुरुद्ध का विवाह विवाह का विरोध नहीं है लेकिन जीवन का अनुरुद्ध क्या है अनुरुद्ध है हमारा मन का देवता और चित्रलेखा क्या है बुद्धि चित्रलेखा बुद्धि है अब ये बुद्धि मन पर कैसे अधिकार करे मन पर कैसे अधिकार करे कोई नारद जैसा गुरु मिले नारद जैसा कोई आत्मज्ञानी मिले नारद जैसा कोई संयमी मिले नारद जैसा कोई संयमी मिले कोई गुरु मिले कोई ज्ञानी मिले तो हमारा मन हमारी बुद्धि अपने मन पर संयम कर सकती है अधिकार कर सकती है अपने मन को बस में कर सकती है मन तो वही है कबीरा मन तो एक है चाहे जहाँ लगा वो चाहे तो हर भजन में चाहे से मन तो सभी के पास वही है संत के पास भी वही मन है और गृहस्थ के पास भी वही मन है संसारी के पास भी वही मन है और सन्यासी के पास भी वही मन है लेकिन एक का मन सुधर गया तो संन्यासी बन गया एक का मन बिगड़ गया तो गृहस्थ बन गया एक का मन ठहर गया गृहस्थ शब्द का अर्थ है जो घर में ही ठहर गया गृहस्थ ग्रह माने घर पे घर पर जो ठहर गया वो गृहस्थ हो गया और एक संन्यासी है जो घर से और आगे भी बढ़ गया घर तक ही सीमित नहीं रहा घर से लेकर आगे परमात्मा तक जो पहली सीढ़ी पर ही नहीं रुका है पहली सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी तक भी चढ़ा ऊपर भी पहुंचा है तो संसारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए संसार में रहते हुए जीवन में कुछ और भी है उसकी समझ आ जाए और उस दिशा में उसकी खोज में हमारे कदम आगे बढ़े और वो कोई किसी गुरु का मार्गदर्शन मिले किसी संत का मार्गदर्शन मिले अन्यथा हमें समझ भी नहीं कि हमारे दादा दादी भी यही कर रहे थे हमारे माता पिता भी यही कर रहे हैं हमारे पड़ोसी भी यही कर रहे हैं हमारे सारे रिश्तेदार भी यही कर रहे हम भी वही कर रहे हैं आगे और कुछ जीवन का लक्ष्य हो जो संतों से मिलता है गुरुओं से मिलता है सत्संग से मिलता है वो लक्ष्य अगर और समझ में आया तो जीवन में कहते ना सोने में सुहागा सोने में सुंदरता तो है ही सुगंधी भी आ गई सोने में सुंदरता तो है लेकिन उसके साथ अगर सुगंधी भी जुड़ जाए तो सोनो और उसकी कीमत है इन संतों के जीवन में सुगंधी भी जुड़ गई नानक के जीवन में बुद्ध के जीवन में महावीर के जीवन में कबीर के जीवन में नानक के जीवन में अनेक अनेक संत देखें जो गृहस्थी में रहते हुए लेकिन संतत्व की प्राप्ति हुई परमात्मा की जिन्होंने प्राप्त की जो मर के भी अमर हो गए उनके इतिहास बन गए नामदेव का देखें ज्ञान देव का देखें देखे, इनके इतिहास बन गए तो अब वही है कि संसार में रहते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए परमात्मा तक हम कैसे पहुंचे ये मुख्य रूप से दिखाया गया इन कथाओं में कि हम यहीं रुक ना जाए ये पहली सीढ़ी पर ही ना रुके इसके आगे भी सीढ़ी है और वो सीढ़ी जीवन का लक्ष्य हो ये बाजार के कोलाहल में ही ना मात्र ठहर जाए इस बाजार से आगे भी कोई जीवन का मंजिल है कोई मुकाम है उसकी समझ हो और उस दिशा में भी हम इन इनके बीच से होते हुए वहाँ तक पहुँचने की हमारी चेष्टा हो भगवान श्री कृष्ण एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के के महल में जाते हैं और जब भगवान श्री कृष्ण के महल में जाते हैं तो भगवान कृष्ण की तो अब इतनी रानी पटरानियां लेकिन नारद जी जिस जिस महल में जाते हैं वहीं र... कृष्ण को देखते हैं जिस महल में जाते हैं वहीं कृष्ण को देखते हैं किसी के साथ वो भोजन कर रहे हैं किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं कहीं किसी के साथ खेल रहे हैं कहीं किसी के साथ और सत्संग कर रहे हैं हर महल में भगवान उनको दिखे नारायण जी को समझ आई जिन्हें हम समझ रहे थे कि ये बहुत संसारी होंगे विषयी होंगे कामी होंगे इतनी स्त्रियां जिनकी वो कितने कामी होंगे कितने विषयी होंगे लेकिन भगवान विषयी नहीं थे कामी नहीं थे भगवान तो परम योगी थे परम योगी थे योगी राज थे और भगवान योगी राज थे इसलिए अनेक अनेक लोगों के बीच में होते हुए सबसे मुक्त थे सबसे मुक्त थे आप देखें जहां जहां भगवान इस तरीके किए हैं अंत में जब द्वारका नगरी में भी भगवान रहे तो द्वारका नगरी में भगवान के सामने पूरा परिवार नष्ट हो जाता लेकिन भगवान की मना स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा एक व्यक्ति के सामने जीवन में कुछ थोड़ा सा छिन जाता धन छिना मान छिना परिवार छिना तो व्यक्ति हाय हाय कर बैठता लेकिन भगवान के जीवन में देखो आप कितने उतार चढ़ाव हुआ है कृष्ण के जीवन में कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और कारागार के बाद कृष्ण के बाद साथ छठवा दिन था जिस दिन पूतना आ गई उनके जन्म का छठवा दिन जिस दिन पूतना आ गई तृणावत बकासुर अघासुर कितने राक्षस सट्टासुर और उसके बाद भी फिर कंस के साथ फिर शिशपाल जरासंध उससे आगे गए तो द्वारका में भगवान शांति से सा, सुखचैन से नहीं रहे और अंत में तो यह स्थिति रही कि वो द्वार मथुरा छोड़कर भागे अंत में जाकर द्वारका भी पूरी डूब गई द्वारका दौ, भी जलमग्न हो गई और पूरा का पूरा भगवान श्री कृष्ण का परिवार जिनसे उनके पुत्र थे बेटा भी थे नाती थे सारे के सारे युद्ध में खत्म हो गए और भगवान सिर्फ अकेले रह गए लेकिन भगवान के चित्त पर कोई असर नहीं इसलिए सारी दुनिया में आप देखो कृष्ण का एक भी ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा जो कृष्ण के मंदिर में भगवान कृष्ण सीधे खड़े हों हर जगह वो तिरछे खड़े हैं क्रॉस लेग्स में नृत्य करते हुए कृष्ण नृत्य वही कर सकता जो आनंद में है जो खुशी में है जो मौज मस्ती में है तो भगवान कृष्ण सबके सब तरह के आपदाओं में प्रतिकूलताओं के बीच में अपनी मना स्थिति नहीं खोए मन से वो शांत रहे अंदर से निर्लोभ रहे अनास अंदर से अनासक्त रहे निर्लोभ रहे निर्मोह रहे मोह दिखाया बाहर बाहर लोभ दिखाया बाहर बाहर क्रोध दिखाया बाहर बाहर एक्टिंग की उन्होंने लीला की इसलिए कृष्ण के जीवन को हम जीवन नहीं कहते कृष्ण के जीवन को हम लीला कहते कृष्ण लीला उनका क्रोध भी एक लीला है उनका प्रेम भी एक लीला है उनका रोना भी लीला है उनका हंसना भी लीला है भगवान ने सारा कुछ लीला रूप में किया खेल खेल में सारा किया तो इस तरीके से जैसे भगवान के जीवन में ये सारे खेल हुए नाराजी ने जब देखा कि भगवान तो हर जगह हर महल में इतने रूप वो ले सकते हमारे नाराजी को भगवान पर आया कि जिन्हें हम कोई सामान्य राजा समझ रहे वो सामान्य राजा नहीं निश्चित ही वो परमात्मा है और परमात्मा ही ऐसे चमत्कार कर सकते हैं यहां पे और आता कि भगवान पांडवों ने राजसूर यज्ञ किया और जब पांडवों ने राजसूर यज्ञ किया तो ये राजसूर यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी की जाए तो किसी ने भीष्म पितामह का नाम लिया भीष्म पितामह वयोवृद्ध हैं किसी ने गुरु द्रोणाचार्य जी का नाम लिया कि गुरु कौरव पांडवों की धनुर्विद्या के गुरु हैं लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिया भीषम पितामा का नाम लिया तो स्वयं भीषम पितामा और गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण के नाम को प्रस्तावित किया अनुमोदित किया और कहा उम्र ना देखो उनके श्रेष्ठ जीवन देखो और प्रथम पूजा यज्ञ में प्रथम पूजा का सम्मान भगवान कृष्ण को दिलाया जब भगवान श्री कृष्ण का सम्मान दिलाया तो कहते ये बात शिशपाल को सहन नहीं हुई शिशपाल भगवान को गालियां निकाल रहा अब शब्द कह रहा जब गालियां निकाल रहा अब शब्द कह रहा तो भी संपितामा को क्रोध आया हमें से दंड देंगे अर्जुन ने अपना गांडी भी उठाया कि मैं इसे मारेंगे लेकिन भगवान हर किसी को शांत करते जाते शांत करते जाते और भगवान जमीन पर लकीर बनाते जाते जब जा शिष्यपाल की अपराध सौ से अधिक हो जाते तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिष्यपाल का वध किया और शिष्यपाल के शरीर से जो तेज निकला वो भगवान श्री कृष्ण में समा गया भीष्म पितामह को बड़ा आश्चर्य बड़ी हैरानी कि शिशुपाल जैसा जो सदा से भगवान का विरोधी रहा शत्रु रहा निंदक रहा ईर्षालु रहा लेकिन भगवान ने उसका भी उसे भी साज गति दी अपने स्वरूप में समा लिया पहले कथा में आया हुआ था कि ये शिष्यपाल कौन थे भगवान विष्णु के दो पार्षद थे जय विजय जो शरद कुमारों के शराब से पहले जन्म में हृणाक्ष हृणा हिर्णा का शब्द बने थे और भगवान ने बराह और नरसिंह रूप में इनका उद्धार किया दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने और भगवान ने राम अवतार में इनका उद्धार किया यही जय विजय तीसरे जन्म में शिषपाल और दंत बने भगवान ने यहां कृष्ण अवतार में इनका उद्धार किया और उसे साविज गति थी मैंने कहा ना देखो भगवान से तुम कैसे भी रिश्ता जोड़ लो मित्र का रिश्ता जोड़ लो या शत्रु का रिश्ता जोड़ लो आग है आग पर तुम पैर रखो मित्र समझ के भी पैर रखो तो आग जला देती और शत्रु समझ के भी पैर रखो तब भी आग जला देती आग का धर्म है जलाना मित्र समझ के पैर रखो तो भी जलाती है शत्रु समझ के पैर रखो तब भी जलाती है प्रेम से प्रेम रखो तब भी जलाती है क्रोध से पैर रखो तब भी जलाती है ऐसे ही भगवान को स्मरण कैसे भी करो भगवान का नाम तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज उल्टो सूदो जामे है खेत परे को बीज रीज के या खीज के भाव को भाव अलखे के भाव को भाओ कुभासऊ और नाम जपते मंगल भाव से या को भाव से अलक कैसे भी भगवान का नाम लो मंगलकारी होता इसलिए मैं पिछले कथा में आया था कि रावण ने भगवान से शत्रुता की तो भगवान को भी रावण ने वही लोक दिया जो महाराज दशरथ को दिया भाव। मारा दशरथ ने राम के साथ पिता का संबंध जोड़ा पुत्र बनाया और राम के साथ प्रेम किया पुत्र के रूप में तो महाराज दशरथ उसी लोक में पहुंचे और रावण ने राम से संबंध जोड़ा शत्रु के रूप में वैर करके युद्ध करके रावण भी उसी लोक में पहुंचा तो दोनों ने संबंध बनाए भगवान से एक ने मित्र का एक ने शत्रु का लेकिन संबंध बनाए जुड़े उनसे याद उनकी की परमात्मा का स्मरण कैसे भी रखो भाव या कुभाव से अलग या आलस से वो मंगलकारी होता तुम तो बीज कैसे भी खेत में डालो तो उल्टा सीधा जैसे भी डालोगे अंकुरित होता परमात्मा का नाम कैसे भी लोगो मंगलकारी होगा शिष्य शायद अर्जुन बीच बीच में कभी भूल भी जाते होंगे भगवान कृष्ण को लेकिन शिषपाल कभी नहीं भूलता था हर समय शिष्यपाल के अंदर कृष्ण खटकते रहते थे जहां मौका मिलता था कृष्ण के अर्जुन इतनी स्तुति नहीं करता था जितनी निंदा शिशुपाल करता था तो परमात्मा से कैसे भी संबंध जोड़ा जाए और परमात्मा से स... यहां जब स... राय यज्ञ किया गया था तो उस रायसूर यज्ञ में ऐसा महल बनाया था जिस महल में जहां जमीन थी वहां जल दिखता था और जहां जल होता था वहां जमीन दिखती थी द्रोधन को भीम दिखाने ले जाते महल तो दुर्योधन जहां जमीन समझता था कि हाँ जमीन है वो जल में गिर जाता कपड़े गीले हो जाते जहां दीवार होती थी वहां दरवाजा दिखता था और जहां दरवाजा होता था वहां दीवाल दिखती थी अर्जुन दुर्योधन को लगा यहां पे दरवाजा है और दरवाजे से निकलने की चेष्टा करता तो दीवार से टकरा जाता महल की अटारी पे बैठे हुई द्रौपदी ने जब ये दृश्य देखा दुर्योधन को में गिरते हुए और दीवाल से टकराते हुए तो द्रोपदी हंस पड़ी और द्रोपदी जब हंस पड़ी द्रोपदी मात्र हंसी नहीं द्रोपदी के मुंह से यह शब्द भी निकले कि अंधों की औलाद भी अंधी ही होती इन अंधों की औलाद भी अंधी ही होती द्रौपदी के मुंह से यह शब्द निकले और ये द्रौपदी के ये वचन द्रोधन के कानों तक पहुंच गए जब द्रोधन ने सुना कि द्रौपदी के मुंह से कि अंधे की औलाद भी अंधी होती इनके बाप अंधे हैं इनकी माँ ने भी अंधे बाप पिता पति का अनुकरण किया आंख बंद कर ली और उनकी संतान भी अंधी द्रौपदी ने जब ये कहा तो द्रौपदी ने द्रोधन के घाव पर और नमक लगा दिया द्रोधन को पहले ही पीए पीड़ा थी कि मैं अंधे की संतान हूं किसी किसी की इतनी जो हीन भावना होती है कोई मूर्ख है और उसे उसे वो खटक रहा है कि मैं मूर्ख हूं और उसे मूर्ख कह दो ज्यादा उसको बुरा लगेगा कोई आदमी बहुत दीन दरिद्र है और उसको दीन दरिद्र कह दो भिकारी कह दो तो वो ज्यादा किसी किसी संपन्न व्यक्ति को भिखारी कह दो उसे कोई बुरा नहीं लगेगा लेकिन सच में भिखारी को भिखारी कह दो उसे दर्द होगा उसका घाव हो गा। दुख जाएगा मूर्ख को मूर्ख कह दो उसे दर, दर्द दर्द होगा अंधे को अंधा कह दो उसे तकलीफ होगी आंख वाले को कह दो अंधे हो तो उसे कोई तक उसे मालूम है मेरे पास आंख है लेकिन अंधे को अंधा कह दो तो उसका घाव दुख जाता तो वो तो उसके अंदर ये पीड़ा तो थी ये हीन भावना थी दुर्योधन के अंदर कि मैं अंधे की संतान हूं लेकिन द्रौपदी ने उसमें और घाव पर नमक डाल दिया और दुर्योधन ऐसे भूल ना सका और मन में विचार करने लगा कि द्रौपदी से कैसे इस अपमान का बदला लिया जाए और उसी में देखे आप जुआ खिलाया गया जुए में छल किया गया द्रौपदी को दांव पर लगवा लिया छल करके और द्रौपदी को भी छल करके जीत लिया शकुनी की मदद से और भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया निर्वस्त करने की कोशिश की और फिर उसके बाद देखो इतना बड़ा महाभारत का नरसंहार हो गया इतना बड़ा नरसंहार महाभारत का एक छोटी सा छोटा सा बीज इतना बड़ा विशाल वृक्ष विनाश का बन गया छोटा सा बीज वो छोटा सा बीज क्या था वाणी का संयम वाणी का संयम नहीं कर सके रामचरित मानस में आप देखें और खास तौर से ये दिखाया गया सर रामचरित मानस में भी और महाभारत में भी कि स्त्रियों में थोड़ा वाणी का संयम नहीं रहता है स्त्रियों का जैसा स्वभाव है ज्यादा बोलने का और ज्यादा बोलने कारण कभी कभी वो ऐसा भी बोल जाती हैं जो नहीं बोलना चाहिए जो बाणी से नहीं निकलना चाहिए क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव है ज्यादा बोलने का और वाणी से कभी कभी ऐसा निकल जाता जो नहीं बोलना चाहिए रामचरित मानस में आप देखें लक्ष्मण जी जब भगवान राम मारिच के पीछे जाते स्वर्ण मृग के पीछे जाते हैं उसको मारने के लिए और जब उस स्वर्ण मृग को बाण मारा तो मारीच ने हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण कहके पुकारा यह आवाज लक्ष्मण ने भी सुनी और यह आवाज जानकी ने भी सुनी तो जानकी ने लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण लगता है तुम्हारे भाई संकट में है तुम उनकी मदद पर को जाओ लक्ष्मण जी ने कहा मां तुम चिंता ना करो ये साधारण कोई राक्षस क्या तीनों लोग की कोई ऐसी शक्ति नहीं है भगवान पर को आपत्ति लाए कोई आपदा लाए भगवान बहुत समर्थ हैं उनके उनके समर्थ होने पर उनकी शक्ति पर भरोसा रखो लेकिन सीता ने कुछ कटु बचन कहा मर्म बचन कहा मरम वचन जब सीता बोला मरम बचन जब सीता बोला वो हर पेरे ते लक्ष्मण मन डोला जानकी ने कुछ ऐसा मर्म शब्द कहा जो लक्ष्मण के अंदर दिल पर एक घाव बना दिया लक्ष्मण सहन ना कर सके और लक्ष्मण ने उसी क्षण लक्ष्मण रेखा बना के और कहा मां इतनी प्रार्थना और है मेरी कि कृपया करके आप इस रेखा से बाहर ना आए और लक्ष्मण राम के पीछे जाते हैं और जब वापस आते तो सीता का हरण हो जाता तो कहीं ना कहीं स्त्री पक्ष में यह दिखाया है कि वाणी का संयम रखो बोली एक अमोल है बोली एक अमूल है जो कोई जाने बोल वो ये तराजू तोल के सुब मुख बाहर खोल हृदय की तराजू पर पहले तोलो कि जो मैं बोलने जा रहा है वो किसी के दिल पर घाव बनाएगा या किसी के घाव पर मल्लम लगाएगा और कहते हैं बाण और वाणी भाई बहन की तरफ है तरह है बाण का घाव शरीर पर होता है और वाणी का घाव दिल पर होता है शरीर का घाव तो भर भी जाता है समय पाके लेकिन दिल पर बना घाव जल्दी नहीं भरता है। लोगों को देखो दस दस साल तक बीस बीस साल तक याद रखते हैं। और कई कई लोग तो ऐसे कहते कि उसने ऐसी बात कह दी है कि एक जन्म क्या सात जन्म तक नहीं भूलेंगे तो कृपया करके वाणी का संयम रखो ऐसी बात ना कहो जो किसी के दिल पर घाव बनाए ये द्रौपदी से भूल हुई और महाभारत के नरसंहार का विनाश का इतना बड़ा बीज पड़ गया एक छोटा सा बीज वृक्ष बन गया और विनाश का कारण बना यहां पे जब राजूर यज्ञ किया गया तो ये यज्ञ में भी देखो भगवान की एक तरफ तो प्रथम पूजा भगवान की की गई कि प्रथम पूजा का सम्मान भगवान कृष्ण को दिया और फिर से यज्ञ में जिम्मेदारी दी गई कि किस किस कि 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 को काम क्या दिया जाए चूंके दान का काम किसे दिया कर्ण को और दुर्योधन को दान करने का काम कर्ण को और द्र्योधन को दिया उन्हें मालूम था कि दुर्योधन के मन में शत्रुता है वैर है ईर्षा है तो दुर्योधन ज्यादा से ज्यादा दान देगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान दो कंजूसी नहीं करेगा दान खूब उदारता से दान देगा ज्यादा से ज्यादा और कर्ण को यह वरदान में हुआ था कि कर्ण जितना दान करेंगे उससे ज्यादा वापस आ जाएगा कर्ण को यह वरदान दान तो ऐसे है जैसे आप खेत में बीज डालते हैं एक बीज डालते हैं तो एक बीज सौ बीज को लेके आता है वो तो व्यर्थ नहीं जाता है जो डाला है वो वापस आएगा बीज बोया है वो फल फल आएगा वृक्ष बनेगा फल आएंगे तो दान का काम दिया कर्ण को और दुर्योधन को भोजन का रसोई का काम दिया भीम को क्योंकि भीम खुद खाते हैं जो खुद खाता है वो दूसरों को भी खिलाता जो खुद ही नहीं खाता है वो दूसरों को क्या कहाँ खिला पाता और खास तौर से द्रौपदी का एक नाम पांचाली है और जो आज पंजाब वर्तमान में पंजाब है ये पंजाब ही पुराना नाम इस पंजाब का पांचाल देश था पंजाब का ही पुराना नाम पांचाल देश था तो द्रौपदी पंजाब की थी और पंजाबियों में आज भी आप देखो खाने और खिलाने का शौक अच्छा है हिंदुस्तान में दो प्रांत आपको ऐसे मिलेंगे जो हिंदुस्तान के लगभग 80-90 परसेंट संतों का आश्रमों का निर्वाह कर रहे हैं संतों का निर्वाह कर रहे हैं आश्रमों का निर्वाह कर रहे हैं व्यवस्था कर रहे हैं और धर्म की प्रगति यहां से होती है ज्यादा से ज्यादा संतों को मैंने देखा है तो गुजरात जाते हैं या पंजाब में आते क्योंकि पंजाब की भूमि संतों के बहुत अनुकूल है धर्म के बहुत अनुकूल है लोग खाने खिलाने में बड़ी उदारता है और हर तरह की आर्थिक मदद करने में बड़ा उदारता है तो रुक्मणी द्रौपदी तो पांचाली थी इसलिए द्रौपदी का एक नाम पांचाली भी है और पांचाली को आज के भाषा में कहें तो जैसे कोई पंजाबी क्योंकि पुराना पंजाब का पुराना नाम पांचाल देश था तो आज की भाषा में पंजाब जैसे कहते हैं तो द्रौपदी का एक नाम पांचाली भी था इसलिए द्रौपदी में बड़ी उदारता थी इसलिए द्रौपदी को आप देखें ना अच्छे पात्र द्रौपदी के पास ही था किसी और के पास वो नहीं दिया सूर्य भगवान ने जो अच्छे पात्र दिया था कि द्रौपदी उससे खुद भोजन ना करें और जितना चाहे लोगों को भोजन करा सकते हैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों को भोजन कराएं लेकिन अच्छे पात्र में वो कमी नहीं आती थी और वो पात्र भगवान ने सूर्य ने किसी और को नहीं दिया कुंती को नहीं दिया सोद्रा को नहीं दिया किसी और किसको दिया द्रौपदी को दिया क्योंकि द्रौपदी खिला सकेगी द्रौपदी के अंदर उदारता है खिलाने की पांचाली है और पांचाली है पंजाब की है इसलिए भगवान सूर्य ने भी उसे दिया आज आप देखें पंजाब में अभी जो लॉकडाउन था पंजाब में एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई आदमी कहीं किसी को भूख की कमी भोजन की कमी रही हो क्योंकि जगह कोई ऐसा गुरुद्वारा नहीं मिलेगा जिस गुरुद्वारा में लंगर ना चलता हो और लगभग मंदिर भी 20 25 30 परसेंट मंदिर भी ऐसे हैं जो लंगर चलाते हैं और फिर वैसे भी पंजाब के लोग कोई ना कोई बहाना कोई गुरु पर्व आ गया कोई और पर्व आ गया कोई और का कारण बन गया तो लंगर चलाते रहते सेवा के काम सेवा के काम में खिलाने पिलाने के काम में सेवा के काम में जो उदारता पंजाब में मिलेगी वो बहुत कम तो भगवान सूर्य ने भी वो जो दिया था अच्छे पात्र वो अच्छे पात्र द्रौपदी को दिया तो यहां पे भोजन खिलाने का बनाने का काम भीम में खिलाने का द्रौपदी को और भगवान ने खुद क्या काम लिया भगवान ने खुद काम लिया झूठे पतले उठाने का जो सबसे छोटा काम माना जाता है सबसे छोटा काम है और कोई छोटा व्यक्ति करेगा वो काम भगवान ने लिया तो ये दिखाने के लिए काम कोई छोटा नहीं है और भगवान की प्रथम पूजा भी इसीलिए हुई जो वैसे ही झूठा बड़प्पन का अहंकार लिए वो बड़े नहीं होते बड़े वही होते जो अपने को छोटा समझे वही बड़ा होने का सम्मान पाते हैं और जो स्वयं भी अपने को बड़ा मान ले वो कभी सम, बड़ा होने का सम्मान नहीं पाते भगवान ने कभी अपने को बड़ा नहीं माना आप जहां देखो महाभारत के युद्ध में भगवान ने कौन सा काम लिया भगवान ने कहा अर्जुन का रथ चलाएंगे और एक तरफ गुरु हैं अर्जुन के गुरु हैं और अर्जुन का रथ चला रहे अर्जुन तो रस से उतर के चला जा रहा भगवान घोड़ों की सेवा कर रहे घोड़ों को पानी पिला रहे घोड़ों के घाव पर मल्लम लगा रहे सोचो तो जो काम को छोटा बड़ा ना समझे क्योंकि छोटा बड़ा काम वो समझता है जिसके अंदर कहीं कोई हीन भावना है अगर जिसके अंदर खुद अपने स्वरूप का ज्ञान है कि मैं क्या हूं उसके लिए कोई छोटा काम है ही नहीं उसे तो कहीं हीरा तो हीरा है वो कहीं भी रख दो उसकी तो चमक अलग होगी हर पत्थर से अलग वो दिख जाएगा कि ये हीरा है तो भगवान कृष्ण छोटा काम करते हुए पत्तल उठाने का काम करते हुए भी प्रेम के बसे अर्जुन रथ हा को भूल गए ठकुराई कीनी तामे जूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई तो भगवान कृष्ण पत्तल उठाने का जूठी पत्तल उठाने का काम करते हैं और जब ये राज सूर्य चल रहा था तो भगवान कृष्ण युधिष्टुर महाराज युधिष्टुर के साथ बैठे हुए थे तो एक दृश्य देखा कि एक नेवला जिसका आधा शरीर सोने का और आधा शरीर हाड़ मास का उन जूठी पतलों पर लोट रहा है महाराज युधिष्टुर ने भगवान कृष्ण से पूछा ये बड़ा अद्भुत प्राणी नेवला जिसका आधा शरीर सोने का आधा हाड़ मार्स का ये क्या है कौन है तो भगवान श्री कृष्ण ने अंतर ध्यान से अंतर दृष्टि से देखा और कहा महाराज ये दृष्टि और आपका ये राज यज्ञ अभी संपन्न नहीं हुआ है ये संपन्न नहीं हुआ है सफल नहीं हुआ है इसमें अभी कमी नहीं रह गई है क्या कमी रह गई है क्या ये राज यज्ञ में आपने सबको आमंत्रित किया लेकिन एक साधु है जो नगर से बाहर है और बाल्मीक है तुमने उस बाल्मीक साधारण साधु समझ के उस साधु को निमंत्रित नहीं किया और वो साधु नहीं आया जब तक वो साधु नहीं आएगा आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। और वो ये नेवला जो है ये नेवला एक बार राजा रंतदेव ने एक ब्राह्मण के पास मात्र दो मुट्ठी सत्तू थे और परिवार में उसके चार लोग थे पति पत्नी और उसका पुत्र और पुत्र दो मुट्ठी सत्तू में एक चांडाल आता उसके साथ दो कुत्ते हैं और उसने भिक्षा की मांग की जब उसने भिक्षा की मांग की तो उस ब्राह्मण परिवार ने अपने दो मुट्ठी सत्तू में से एक मुट्ठी सत्तू उस चांडाल और कुत्ते को दे दिए खुद भूखे रहे थोड़ा खाके पानी पी लिया लेकिन दो मुट्ठी सत्तू में से एक मुट्ठी सत्तू दान कर दिया और दान कर जब वो खाने के बाद जहां उन्होंने खा, खाया था चांडाल और कुत्तों ने जब ये नेवला उस पर लौटा तो आधा शरीर इसका सोने का हो गया और आकाशवाणी हुई कि तेरा आधा शरीर भी सोने का तब हो जाएगा जब जा द्वापर युग में महाराज युधिष्ट राज्य करेंगे लेकिन महाराज राज सूर्य आपका संपन्न नहीं हुआ कि ये नेवले का पूरा शरीर सोने का नहीं हुआ इसे मुक्त नहीं हुआ तो विचार किया क्या क्या, क्या क्या कमी रह गई तो कहा जब तक उस साधारण साधु समझ के छोटी जाति का समझ के तुमने नहीं बुलाया उसे बुलाने जाओ महाराज युदुष्ट ने तत्काल भीम को भेजा और जब भीम को जाके कहा लेके आओ भीम गए साधु ने इनकार कर दिया कि मैं तो यज्ञ का भोजन करने वहां जाते हैं जिन्होंने एक करोड़ यज्ञ किए हो भीम ने कहा एक करोड़ यज्ञ यह तो पहला ही यज्ञ है और सफल नहीं हुआ जब भीम के कहने से वो साधु नहीं आया तो महारानी द्रौपदी ने कहा महाराज हम जाएंगे महारानी द्रौपदी बड़ी विदुषी महिला थी विद्वान थी विनम्र थी सरल थी सेवा भाव थी द्रौपदी जाती है और द्रौपदी किसी रथ में बैठ के नहीं जाती हैं द्रौपदी पैर में जूतियां भी नहीं डालती हैं द्रौपदी पैदल जाती है उस साधु के पास और उस साधु से प्रार्थना की कि हमारे पति महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया है मैं आपको आमंत्रित करने आई हूं साधु ने वही बात दोहराई कि मैं तो उसके यहां भोजन करने जाते जिसने करोड़ यज्ञ किए हो द्रौपदी ने कहा महाराज मैंने करोड़ों यज्ञ किए मैंने स्वयं करोड़ों यज्ञ किए साधु ने पूछा कब कौन सा यज्ञ किया है कि आप संतों की वाणी है संत मिलन को चालिए संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान और ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान का संतों के पास जाओ अहंकार छोड़ के माया छोड़ के अभिमान छोड़ के तज माया अभिमान ज्यो ज्यो पग आगे धरे एक एक कदम उस दिशा में आगे बढ़ाओगे कोट कोट यज्ञ का फल मिलता महाराज में देखो कितने कदम आपके पास चल के आई कितने यज्ञ संपन्न हो गए उस साधु ने द्रौपदी की विनम्रता देखी द्रौपदी का भाव देखा भक्ति देखी साधु ने आना स्वीकार किया और जैसे ही साधु ने वहां भोजन किया और साधु के भोजन करने के बाद वो नेवला लौट लो, लोट लौटा लो, लो उस पर तो वो पूरी तरह सोने का हो जाता और मुक्त हो जाता एक यक्ष था यक्ष कुमार बन के चला जाता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब तुम्हारा यज्ञ संपन्न हुआ यानी यज्ञ में कहीं ये ना देखा जाए धर्म कर्म में यह नहीं देखा जाए छोटा है बड़ा है गरीब है अमीर है ये जाति है वो जाति अगर तुमने ये देखा कि ये जाति ऊंची है वो जाति ध्यान रखना एक ब्राह्मण में जो परमात्मा है वही एक शूद्र में भी है एक हरजन में भी है एक दलित में भी है और पशु पक्षियों में भी वही वह है किसी के प्रति छोटा और बड़ा होना ऊंच नीच होना ये अधर्म है ये बुराई है ये पाप है तो कोई भी धर्म कर्म हो कभी किसी के साथ ये भेदभाव ना करें कि इसको यहां बैठाएंगे उसको वहां बैठाएंगे इनको सम्मान साथ बैठाएंगे घर के अंदर बैठाएंगे इसको घर से बाहर बैठाएंगे अगर ऐसा भेदभाव किया जातियों के नाम से ऊंच नीच के नाम से तो ये अपराध है ये पाप है और इसे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे और रायसूर यज्ञ जहां भगवान कृष्ण विराजमान थे वहां पर भी ये स्वीकार नहीं किया गया और जब महाराज युदिष्टर को अपने भूल का एहसास हुआ वो भूल को सुधारा उन्होंने तो यज्ञ उनका सफल हो जाता तो आज कथा को हम यही विराम देते हैं आगे का प्रसंग कर लेंगे हरिओम